खबरवाला में एक मतलब फिर खुशामदीद। दोस्तों, मैं हूं जाकुल इस्लाम। वॉइस ओवर आर्टिस्ट कहें, फिल्म प्रोड्यूसर कहें, टेलीविजन एंकर कहें, एक सुपरस्टार या उन्हें मिस इंडिया 1984 की हैसियत से याद है। इस मल्टी टैलेंटेड शख्सियत का नाम आपको बताते हैं। पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखें, खबरवाला को सब्सक्राइब करें और पूछे गए सवाल का जवाब जरूर दें। देखो, क्या तुम 10 मिनट के लिए चुपचाप बैठ सकती हो? मैंने तो क्या सोचा था, आपने क्या बोल दिया? क्या है कि जब से मैं इस घर में आया हूँ, 10 मिनट की शांति के लिए तरस गई। मैं तो कब से सलाइन हूँ। नहीं, सलाइन हूँ, लेकिन दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जूही चावला की। जूही चावला का जन्म हरियाणा के शहर अंबाला में हुआ और फिर फोर्ड कॉन्वेंट स्कूल मुंबई में उनकी पढ़ाई पूरी हुई। ग्रेजुएशन भी उन्होंने सिडनेम कॉलेज मुंबई से किया और स्पेशलाइजेशन था ह्यूमन रिसोर्सेज में। 1984 की मिस इंडिया टाइटल जीतने के बाद और उसके बाद मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट जो 1984 में हुआ, उसमें उन्होंने बेस्ट कॉस्ट्यूम अवार्ड भी जीता था। नमस्ते, आई एम जूही चावला फ्रॉम बॉम्बे इंडिया। जूही चावला का फिल्मी सफर 1986 में फिल्म सल्तनत के साथ शुरू हुआ, जिसमें सुपरस्टार शशि कपूर के बेटे उनके साथ बतौर हीरो आए। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो। इसके बाद जूही चावला ने कुनड़ फिल्म प्रेम लोक में काम किया। ये कुनड़ क्लासिक फिल्म है जिसे रविचंद्र ने 1987 में डायरेक्ट किया था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। फिर जूही ने किया उस फिल्म में काम जिस फिल्म ने बॉलीवुड को दिया एक रोमांटिक जोड़ा। जी हाँ, ये फिल्म थी कयामत से कयामत तक। जब किस्मत ने हम दोनों को एक ऐसी राह पर डाल दिया है कि न जाने कब तक यूं ही भटकते रहे, तो एक दूसरे के बारे में थोड़ा बहुत जानना अच्छा होता है। अच्छा होता है ना। 1988 में आमिर खान ने भी इसी फिल्म से अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की और जूही चावला ने। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर इस कदर कामयाब हुई कि आज भी ये एक क्लासिक फिल्म कहलाई जाती है। इस फिल्म में जूही चावला की चुलबुलाहट, शरारतीपन और मासूमियत ने कमाल कर दिया था। ये जोड़ी बॉलीवुड में सर चढ़कर बोलने लगी। इस फिल्म के लिए जूही चावला को फिल्म फेयर के बेस्ट डेब्यू अवार्ड के लिए नामजद किया गया था, जबकि लक्स न्यू फेस ऑफ द ईयर के अवार्ड से उन्हें नवाजा। 90 की दहाई में जूही के कैरियर में कई उतार चढ़ाव आए। उन्होंने फिल्म प्रतिबन में साउथ के सुपरस्टार चरणजीत के साथ काम किया। उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत पसंद की गई और इसके बाद जूही ने फिल्म स्वर्ग में गोविंदा और राजेश खन्ना के साथ काम किया। फिल्म कयामत से कयामत के बाद से जूही रोमांटिक किरदार निभा रही, लेकिन फिल्म बोल राधा बोल से ये मालूम हो गया कि ये कॉमेडी फिल्म भी कर सकती है, चाहे गांव की गोरी हो या फिर शहर की छोरी। जूही चावला हर किरदार में फिट होती जा रही थी और यही वजह रही कि फिल्म राजू बन गया जेंटलमैन में उन्होंने एक मिडिल क्लास लड़की का किरदार निभाया। एक नॉन ग्लैमरस रूप में भी शाहरुख खान के साथ उनका रोमांस जबरदस्त नजर आया। पहले मैडम ने तुम्हें प्रमोशन दी, वो तो दी, फिर साहब को नया कैबिन मिल गया। करेक्ट, अच्छा है ना मेरा कैबिन। फिर पहनने के लिए कपड़े दिलवाए। तुम्हारे पास तो कुछ पहनने के लिए था ही नहीं ना। कहो, ये कोट, ये सूट, ये टाई। अरे आराम से, कीमती है। 1993 जूही चावला के लिए एक अहम साल रहा। फिल्म आईना, हम हैं राही प्यार के, डर और लुटेरे, इन फिल्मों के साथ जूही चावला टॉप स्पॉट पर पहुंच गई। फिल्म डर के अंदर जूही चावला ने डर और रोमांस दोनों ही जज्बात बखूबी निभाए। शाहरुख खान और सनी देओल के साथ उनकी केमिस्ट्री खूब रही। एक एक्शन हीरो सनी देओल और एक रोमांटिक हीरो शाहरुख खान, जूही चावला इन दोनों ही स्टार्स की अनोखी हीरोइन बन गई। एक तरफ किरण का जादू चल रहा था तो दूसरी तरफ हम हैं राही प्यार की कॉमेडी चल रही, जिसमें जूही ने एक साउथ इंडियन लड़की का किरदार निभाया था और उनके साथ थे मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान। और फिल्म हम हैं राही प्यार के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया। एक तरफ कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रही थी जूही चावला और दूसरी तरफ वक्त इशारा कर रहा था कि जूही खुद प्रोडक्शन हाउस शुरू करे, और ठीक वैसा ही हुआ भी। शाहरुख खान और अजीज मिर्जा के साथ मिलकर जूही चावला ने ड्रीम्स अनलिमिटेड के नाम से कंपनी बनाई और फिर भी दिल है हिंदुस्तानी और अशोक जैसी फिल्में प्रोड्यूस। उनकी तीसरी फिल्म चलते चलते एक जबरदस्त और कामयाब फिल्म रही। जूही चावला बतौर अदाकारा मुख्तलिफ किस्म की फिल्में कर रही, नागेश लखनऊ की तीन दीवारें, माय ब्रदर निखिल, ये तमाम फिल्में काफी हिट थी। जूही जिस तरह के किरदार निभा रही थी वो उन्हें धीरे धीरे
कमर्शियल सिनेमा से दूर कर रहे थे। सन 2014 में जूही चावला नजर आई माधुरी दीक्षित के साथ। इन दोनों की यूं तो कोई दोस्ती नहीं थी, हाँ रस्मी हेलो हाय जरूर रही। ये दोनों फिल्म गुलाब गैंग में नजर आई और उनके फैंस बहुत खुश भी थे। सन 2000 के आते आते जूही चावला टेलीविजन पर भी नजर आने लगी। क्योंकि उनकी दोस्ती शाहरुख खान के साथ काफी गहरी थी तो उनकी दिलचस्पी क्रिकेट में भी हो गई। इंडियन प्रीमियर लीग में शाहरुख खान के साथ ये को ऑनर बनी कोलकाता नाइट राइडर्स। जूही की जाती जिंदगी पर नजर डालें तो उन्होंने मशहूर बिजनेसमैन जे मेहता से शादी की। सन 2001 में उनकी बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम उन्होंने जानवी रखा और सन 2003 में उनका बेटा अर्जुन पैदा हुआ। खानदान और बच्चों की जिम्मेदारी के साथ साथ जूही चावला फिल्म इंडस्ट्री में भी अलग अलग काम करती रही। कभी ये बतौर सिंगर दिखाई देती हैं तो कभी फिल्म प्रोड्यूसर। जूही चावला जैसी शोक और चंचल अदाकारा शायद ही कोई और हो। जूही ने बॉलीवुड में चार दहाइयां गुजार दी हैं लेकिन उनका नाम आज भी जगमगा रहा है। जूही चावला एक लंबे अरसे तक बॉलीवुड में याद रखी जाएंगी। दोस्तों आज का सवाल है, जूही चावला फिल्म इश्क में किस हीरो की हीरोइन? कॉमेंट्स के जरिए जवाब जरूर दें और मुझे दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगली वीडियो में, जुड़े रहिए खबरवाला के साथ।